हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएपी जर्नी वंस अगेन। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से एसएपी जर्नी में स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे चैनल का लोगो है एसएपी जर्नी, और आप हमारे चैनल की सभी वीडियो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो हमारा एमएम मॉड्यूल से रिलेटेड है, तो लास्ट टाइम हमने किया था कि एमएम मॉड्यूल में जीआर कैसे करते हैं, गुड्स रिसीव कैसे करते हैं, और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जो गुड्स रिसिप्ट के बाद जो प्रोसेस रहती है मीरो की, इनवॉइस रिसीव की, तो उसको कैसे किया जाए मीरो की ट्रांजैक्शन से। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारा जो चैनल का ट्विटर और फेसबुक पेज है वो हमने क्रिएट कर दिया है, तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और व्यूअर्स हैं वो हमको ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, और जितनी भी हमारी अपडेट्स रहेंगी वो सेम अपडेट्स आपको ट्विटर और फेसबुक पर भी मिल जाएंगी। तो प्लीज़ हमारे ट्विटर और फेसबुक पे आइए और एसएपी जर्नी का मज़ा लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि जीआर कैसे करते हैं, गुड्स रिसीव कैसे करते हैं, आज हम मीरो ट्रांजैक्शन की बात करेंगे। मीरो, MIRO, मीरो। जनरली ये जो ट्रांजैक्शन है ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है? एक्चुअली जो भी हमारे वेंडर के जो इनवॉइस रहते हैं, तो वो जो इनवॉइस रहते हैं वो हम मीरो ट्रांजैक्शन से पोस्ट करते हैं फाइनेंस साइड से। तो लास्ट टाइम जो हमने जीआर की थी, हम एक डॉक्यूमेंट को लेके चलते हैं। आपको मीरो पोस्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए है? अगर आपको मीरो पोस्ट करनी है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेकंड में मैंने आपको बताया था मीगो। तो मीगो ट्रांजैक्शन थी हमारी जीआर के लिए। गुड्स रिसिप्ट के लिए, और देन आता है हमारा मीरो। मीरो ट्रांजैक्शन किस लिए होती है? इनवॉइस रिसीव के लिए। इनवॉइस रिसीव के लिए। तो आज हम देखेंगे कि मीरो के थ्रू इनवॉइस रिसीव कैसे करते हैं। आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको एसएपी में जाके ये जो आपको कमांड फील्ड दिख रहा है यहाँ पे, आपको मीरो ट्रांजैक्शन रन करनी है। और जैसे ही आप मीरो ट्रांजैक्शन रन करते हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। दोस्तों, ये स्क्रीन आप सबसे ऊपर देख रहे होंगे, एंटर इनवॉइस, इनकमिंग इनवॉइस। इनकमिंग इनवॉइस हम उनको कहते हैं जो हमें परचेज साइड से जो वेंडर होते हैं हमारे, वो जो इनवॉइस बना के भेजते हैं उनको हम इनकमिंग इनवॉइस बोलते हैं। और इसमें टैक्स कोड कौन सा लेना पड़ता है, इनपुट टैक्स कोड रहता है जनरली, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ये जो साइकिल चल रही है ये सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है, और जो डिटेल से जो भी इनकी पूरी प्रोसेस है साइकिल की वो हम बाद में समझेंगे। इसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे आएंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पर आपको दोस्तों परचेज ऑर्डर नंबर दिख रहा है, और आपको यहाँ पर डिलीवरी नोट नंबर दिख रहा है। तो ये सभी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप मीरो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जनरली होता क्या है, डिलीवरी नोट के थ्रू या परचेज ऑर्डर के थ्रू ही हम मीरो ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हम भी सेम रूल फॉलो करेंगे। मीरो, यहाँ पे मैं इनवॉइस डेट डालता हूँ, मीन्स जोन सी डेट का मेरा इनवॉइस है वो सेम वो डेट डालता हूँ मैं। अगर मेरा इनवॉइस बैक डेट का है, लाइक यहाँ पे जो आज डिफ़ॉल्ट डेट है, जो आज की डेट है वो 15 अगस्त है, और मेरा इनवॉइस अगर 13 अगस्त का है तो मेरे को यहाँ पे 13 अगस्त डालनी होगी, और उसके बाद मैं इनवॉइस की आगे एंट्री कर सकता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि आज ही मेरे पास इनवॉइस आया है वेंडर से, और तो हम आज की डेट डालते हैं यहाँ पर। और जो पोस्टिंग डेट रहती है वो हमेशा वो डेट रहती है जिस डेट में आप पोस्टिंग कर रहे हैं, मीन्स आज की डेट में अगर आप पोस्टिंग कर रहे हैं तो आज की डेट ही आपको डालनी है। बाय डिफ़ॉल्ट भी सिस्टम आज की डेट दिखाता है पोस्टिंग डेट के अंदर, बट अगर आप बैक डेट करेंगे तो बैक डेट में भी पोस्टिंग पॉसिबल है।
आपने सबसे पहले इनवॉइस डेट डालनी है यहाँ पे, फिर पोस्टिंग डेट डालनी है, देन आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी नोट आपको शो कर रहा है। डिलीवरी नोट कौन सा होता है मैं आपको सबसे पहले ये दिखा देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। सॉरी, डिलीवरी नोट यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी मैं एक परचेज ऑर्डर के डिस्प्ले में हूँ। यहाँ से आप डिस्प्ले करेंगे परचेज ऑर्डर को। लास्ट जो हमारा परचेज ऑर्डर था वो 45 many times 09 था, और अगर मैं इसके परचेज ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर जाके देखता हूँ, परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टैब, मैंने आपको बताया था कि जब हमारी जीआर हो जाती है तभी सिस्टम हमको परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टैब शो करता है, अदरवाइज़ अगर हमारा पीओ बना हुआ है तो परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टैब जो है वो हमको सिस्टम शो नहीं करता है। ये यहाँ पे जीआर नंबर है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो सिस्टम हमको जीआर के अंदर डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे देखिए ये जीआर ओपन हो गई है उस परचेज ऑर्डर की। तो यहाँ पे डिलीवरी नोट नंबर मैंने 8x7 डाला हुआ है, तो ये डिलीवरी नोट नंबर से हम मीरो करते हैं। यहाँ पे डिलीवरी नोट नंबर डालना है, सबसे पहले मैं यहाँ डेट डालता हूँ। यहाँ पे डिलीवरी नोट नंबर मैंने 8x7 डाला है, तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ जैसे ही डिलीवरी नोट नंबर डाल के। तो सिस्टम क्या है, जो उस जीआर की जो क्वांटिटी है और उसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट बनती है मटेरियल की, सिस्टम ने हमको यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे 50,000 है। तो आपको करना क्या है, अभी ये जो पीओ हमने बनाया था ये इनपुट टैक्स ज़ीरो का बनाया था, मींस नील इनपुट टैक्स के लिए। तो मैं यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन के फॉर्मूले में मैं वीओ टैक्स ले लेता हूँ, जो कि इनपुट टैक्स है, नील इनपुट टैक्स है ये, जिसमें हमारा कोई टैक्स नहीं लगेगा। और यहाँ पे ये जो अमाउंट है, जितने की यहाँ पे अमाउंट शो कर रहा है, यहाँ पे मैं कॉपी करके इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, देन मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ऊपर जब अभी जहाँ मेरा कर्सर आपको दिख रहा है, जहाँ बैलेंस का ये फील्ड है, यहाँ पर जीरो हो गया। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो यहाँ पर जीरो की जगह एंटर करता हूँ मैं, यहाँ ये देखिए ये पेंडिंग अमाउंट दिखा रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ पर अमाउंट डाल देता हूँ, जैसे ही मैं अमाउंट डाल के एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो बैलेंस मेरे को शो कर रहा है 50,000, यहाँ पे ज़ीरो शो करेगा सिस्टम। इसका मतलब है जो प्लस माइनस जो एंट्री हो रही है हमारी वो प्रॉपर है, और जो बैलेंस है वो ज़ीरो आ गया है। आई थिंक SAP हैंग हो गया मे बी। इस ट्रांजेक्शन को दोबारा से रन करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ये जो बैलेंस है ये ज़ीरो हो गया है, और उसके बाद अगर मैं उसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ पे जो भी अगर आप टैक्स डालना चाहते हैं, वेंडर का नेम डालना चाहते हैं, लाइक परचेज फ्रॉम कुछ, जो भी आप टैक्स डालना चाहते हैं, परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम परचेज प्रोडक्ट 50,000 एंटर। और आपको उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको उसके बाद ये जो सिमुलेट का बटन है इस पर क्लिक करना है। ओके,
दोबारा से रन करते हैं, एरर दे रहा है सिस्टम यहाँ पे 15, उसके बाद मैं एंटर करता हूँ, देन मैं डिलीवरी नोट से यहाँ पे मैंने ये वैल्यू डालता हूँ मैं यहाँ पे एंटर, और यहाँ पे टैक्स कोड जो है वो ज़ीरो लेता हूँ, देन कैलकुलेट टैक्स ज़ीरो हो गया अभी मेरा, और मैं सिमुलेट करता हूँ तो ये देखिए सिमुलेट होने के बाद यहाँ पे अब अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो ये देखिए ये दो जीएल हैं हमारे, जीएल मैंने आपको बताया था जीएल क्या काम करते हैं, आगे जैसे ही हम चार्ट ऑफ अकाउंट में आएंगे जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट, और उसके बाद अकाउंट ग्रुप, और उस अकाउंट ग्रुप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीएल होते हैं मैंने आपको बताया था, तो ये चीज़ें आपको वहाँ से समझ आएंगी। तो यहाँ पे दो अकाउंट हिट हो रहे हैं, एक है वेंडर अकाउंट और एक है जीआरआईआर क्लियरिंग अकाउंट। तो जीआरआईआर क्लियरिंग अकाउंट हमारा अभी डेबिट हुआ है, डेबिट का मतलब प्लस हुआ है, और जो वेंडर का अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ है, मीन्स हमको पैसे अभी वेंडर को देने हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ इसके बारे में। जब भी मीगो होगी तो मटेरियल अकाउंट हिट होगा डेबिट या क्रेडिट, और मीरो होगी तो क्या होगा, जो भी जीएल्स रहेंगे रिलेटेड टू वेंडर और आईआर और जीआर क्लियरिंग अकाउंट से, वो दोनों जीएल हिट होंगे। और यहाँ पे अभी हो क्या रहा है, जो वेंडर है हमारा, वेंडर क्या हुआ है यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, और उसके बाद जो जीआर आईआर क्लियरिंग अकाउंट है हमारा वो क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। बट जैसे ही हम पेमेंट के प्रोसीजर पे आएंगे, पेमेंट, ये जो पेमेंट का प्रोसीजर है ये फाइनेंस साइड से है, तो क्या होगा उस केस में, उस केस में जो हमारा वेंडर है वो डेबिट होगा और जो हमारा कैश और बैंक अकाउंट जो है हमारा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी एंट्री बिल्कुल प्रॉपर है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये स्टार्टिंग में जो ए ए यहाँ पे दिख रहा है, एसी अकाउंट टाइप है ये हमारा, के स्टैंड फॉर वेंडर, अकाउंट टाइप जो के है वो वेंडर के लिए है, और जो एस है वो पर्टिकुलर किसी भी जीएल को यहाँ पे डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे 50,000 वेंडर के अकाउंट में हमने क्रेडिट किए हैं, मीन्स हमने वेंडर को पे करना है, और यहाँ पे आईआर और जीआर क्लियरिंग अकाउंट में गए हैं 50,000 डेबिट हुआ है, मीन्स हमारा जो जीआर और आईआर क्लियरिंग अकाउंट है वो प्लस हो गया है, और जैसे ही हम पेमेंट करेंगे तो ये यहाँ से माइनस हो जाएगा, और जीआर आईआर क्लियरिंग अकाउंट प्रॉपर प्लस माइनस होता रहता है। तो ये थी एंट्री के कैसे एक मीरो करते हैं हम। अब यहाँ से जैसे ही हम ये पोस्ट का बटन दबाएंगे तो सिस्टम हमको ये डॉक्यूमेंट पोस्ट करके दे देगा और एक डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाएगा। तो इस साइकिल में हमने देखा दोस्तों कि सबसे पहले हम कैसे परचेज रिक्विजिशन बनानी है, फिर आरएफक्यू करनी है, कोटेशन मेंटेन करनी है, कोटेशन कैसे कंपेयर करनी है, उसके बाद किस कोटेशन को हमने सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू रैंकिंग वाइज, उसके बाद हम उस कोटेशन से रेफरेंस से हमारा जो परचेज ऑर्डर है वो क्रिएट करेंगे, देन परचेज ऑर्डर क्रिएट करने के बाद हमको जीआर करनी है, और जीआर के बाद जो फाइनल स्टेप रहता है वो मीरो का रहता है कि इनवॉइस कैसे रिसीव करेंगे। तो ये थी हमारी परचेज साइड से बेसिक प्रोक्योरमेंट साइकिल, और जितनी भी दूसरी साइकिल हैं जो स्पेशल साइकिल हैं प्रोक्योरमेंट की उनके बारे में हम एंड में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो MM साइड से रहेगा वो हमारा रहेगा कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपको कॉन्फ़िगरेशन पार्ट के साथ। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, और कोई अगर आपका सुझाव है या कोई आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएँ। थैंक यू।